किस तरह से हमारे खुफिया कैमरे पर टीम सेलेक्टर चीफ सेलेक्टर बोल रहे हैं कि किस तरह से ईगो क्लैशेस होते हैं, सौरभ गांगुली और विराट कोहली का क्या मामला था। और दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो तमाम बातें उन्होंने खुफिया कैमरे पे की, ये मीडिया सर्कल्स में, जर्नलिस्ट में, खुद क्रिकेटर्स के बीच में बहुत खुले तौर पर डिस्कस होती है। जी न्यूज ने सिर्फ और सिर्फ इसे दर्शकों के सामने, उन करोड़ों भारतीयों के सामने अपने खुफिया कैमरे के जरिए रखा है, जो ये जानना चाहते थे कि आखिर हो क्या रहा है, कौन गलत है, कौन सही है, ये आप खुद निर्णय लीजिए। लेकिन गलत कुछ ना कुछ अंदर है ऐसा जो लोगों के सामने आना बहुत जरूरी था। या मैंने चेतन के साथ कई शोज किए, और चेतन के जो हाईज और लोज है, मैं वो आपको एक बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ। चेतन का सबसे बड़ा हाई था जब उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर हैट्रिक ली थी, और चेतन का सबसे बड़ा लो था जब उनकी आखिरी बॉल पर छक्का पड़ा था, जावेद मियांदाद ने शरजा में मारा था। उस छक्के के बाद वो कई बार शो के दौरान रो दिया करते थे, वो रोने लगते थे, वो बोलते थे कि मैं आज भी जब ट्रैफिक सिग्नल पर रुकता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि आपने फुल टॉस कैसे डाल दी थी, क्योंकि क्रिकेट पर इस देश में हर किसी की राय है और हर कोई बताना चाहता है कि सचिन को भी शॉट ऐसे खेलना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूंगा, उनका सबसे बड़ा हाई था जब वो चीफ सेलेक्टर बने, और उनका सबसे बड़ा लो है ये, क्योंकि क्रिकेट का जब इतिहास लिखा जाएगा तो स्टिंग ऑपरेशन जरूर लिखा जी बिल्कुल। और ये जो हमारा शो है, इसका जो इम्पैक्ट हुआ है दर्शकों पे, आप सब पे क्या इम्पैक्ट है, आपकी क्या राय है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, ट्वीट कीजिए, हमारा हैशटैग #ZNewsImpact, इसका Game Over Impact ये हमारा हैशटैग है, इसे इस्तेमाल कीजिए। जी न्यूज के जो तमाम चैनल्स है जिस पर आप इस वक्त ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, उन्हें आप टैग भी कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं अपने पैनल के पास, और आदेश गुप्ता, वरिष्ठ खेल पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हरपाल सिंह बेदी जी भी अब जुड़ रहे हैं। तो आदेश, मैं आपको यहां लाना चाहूंगी, क्यों, क्या ये मेरा कहना गलत है कि जो ये तमाम बातें खुफिया कैमरे पर चेतन शर्मा ने स्वीकारी है, वो बहुत समय से लोग जानते भी हैं, उन्हें डिस्कस भी कर रहे हैं। जब दो पत्रकार आपस में बात करते हैं, उसे गॉसिप का नाम दे दिया जाता है, लेकिन जब चीफ सेलेक्टर ऐसी बातें खुलकर सामने कह रहे हैं, तो आपको मानना होगा कि कहीं ना कहीं विराट कोहली शायद अपने आप को खेल से बड़ा समझने लगे थे, सौरभ गांगुली को वो पसंद नहीं थे, लेकिन अंतिम निर्णय उनकी कप्तानी को लेकर खुद चीफ सेलेक्टर ने किया। ये चीजें जो है अब पब्लिक डोमेन में सामने आई है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि दो पत्रकार, क्या जो भी जानकार हैं, जैसा कि दीपक जी ने कहा कि भारत में तो हर व्यक्ति क्रिकेट पर अपनी राय रखता है और सुबह से शाम तक क्रिकेट पर चर्चा होती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उन्हें इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करनी चाहिए। हालांकि जैसा कि राकेश थपलियाल ने कहा कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं होता कि कोई पदाधिकारी बन जाएगा तो वो इस तरह की बातें नहीं करेगा, लेकिन ये अघोषित सा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं जाने देंगे। और मुझे लगता है कि इस प्रकरण के बाद मीडिया और खिलाड़ियों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और यही वजह है कि आपने देखा हो कि BCCI ने टेस्ट टीम के खिलाड़ियों को तो छोड़िए, रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी आज मीडिया मैनेजर के बिना मीडिया से बात नहीं कर सकते। और जैसा कि दीपक चौरसिया ने कहा, लेकिन आदेश, आदेश जी, एक सेकेंड एक बात बताइए, ये इस शो का ये इम्पैक्ट नहीं है, BCCI की ये पॉलिसी आप भी जानते हैं काफी पुरानी हो गई है, कम से कम दो दशक तो मुझे देखते हुए हो गए हैं, खिलाड़ियों की जितनी एक्सेसिबिलिटी है उसे लगातार कम ही किया जा रहा है। किसी भी मौके पर खिलाड़ी खुलकर सामने मीडिया से ना तो BCCI की परमिशन के बिना बातचीत कर सकते हैं, कोई इंटरव्यू रख सकते हैं, या तो सिर्फ अपने कमर्शियल्स पर ध्यान देते हैं, या फिर जो चीफ सेलेक्टर खुद खुफिया कैमरे पे कह रहे हैं कि उनके साथ शायद कहीं ना कहीं साठगांठ भी रहती थी, फोन करते थे, आधा आधा घंटा बात होती थी, तो मीडिया को ब्लॉक करना क्या ये उपाय है? देखिए, उपाय तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देखिए चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वहां पर खिलाड़ी अपनी राय रखते हैं और किताबों में भी बहुत सारे खुलासे करते हैं, चाहे वो ड्रग से ही जुड़े क्यों ना हो, वो बिल्कुल ईमानदारी से बात को स्वीकार भी करते हैं। आप हैंसी क्रोने को देखिए, जब मैच फिक्सिंग का मामला आया तो एक बार तो उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया ही ना कि मैं शामिल था, लेकिन क्या भारतीय खिलाड़ियों से आपसे उम्मीद कर सकते हैं? और वजह यही है क्योंकि मीडिया से मिलने नहीं दिया जाता और हर बात को कारपेट के नीचे डाल दिया जाता है, और यही वजह है कि जब इस तरह की बातें मीडिया के थ्रू सामने आती हैं तो फिर हड़कंप सा मच जाता है। खैर, आपने तो जिस तरह का स्टिंग ऑपरेशन किया उसके बाद तो चेतन शर्मा का जाना तय ही था, क्योंकि ना केवल इन्होंने खिलाड़ियों पर बहुत बड़े सवाल उठाए बल्कि BCCI के अंदर की बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। और मैं यहाँ दीपक चौरसिया जी की एक बात से बहुत सहमत हूँ, जैसा कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने फुल टॉस डाली थी और उसके बाद उनके करियर पर विराम लगा, आज जिस तरह के खुलासे उन्होंने किए हैं, उन्होंने अपनी ओर से एक दूसरा फुल टॉस
क्रिकेट करियर छोड़ने के बाद डाला है और जो उनके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुआ और इसी वजह से अब उन्हें चयनकर्ता के पद से भी जाना पड़ा। ठीक है, एक बात मैं प्रीति यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, आप कहते हैं ना बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया, और बीसीसीआई या आईसीसी अब वो क्या चाहते हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में ही सबसे ज्यादा पैसा है। पत्रकार से मिलने मत दो, वो इंटरव्यू नहीं लेगा, इंटरव्यू कौन लेगा, बीसीसीआई लेगा, उनकी वेबसाइट लेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि चारों तरफ से बटोर ले, और इसी यही कारण है कि खिलाड़ियों को भी वो इंटरव्यू नहीं देने देते। जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है वही उन्हीं को आप इंटरव्यू दे सकते हैं, जिससे आपकी ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग डील फाइनल हुई है। तो मेरे ख्याल से इस सबके पीछे है कि चारों तरफ से जो पैसे हैं जो आने दो। तो हम कहते हैं बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, लेकिन क्या ये रुपया आपके भरोसे से भी ऊपर है, क्योंकि टीम इंडिया पर एक भरोसा है और 140 करोड़ सच्चाई पर इस सब के बावजूद दीपक जी आप बहुत लंबे समय तक पर्दा नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इतना क्लोजली गैग करने के बावजूद विराट कोहली ने बीसीसीआई नियुक्त एक इंटरव्यू में ही बोला था, आपने उस पूरे घटनाक्रम को बताया था कि कैसे उन्हें नहीं बताया था कि उन्हें रिजाइन करना होगा, किस तरह से वो खुलकर सामने आए, उनका क्या डिसीजन था, किसने उन पर ये थोपा, उन्हें T20 कैप्टेंसी से हटाया, फिर टेस्ट से भी जाना पड़ा।